हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। तो दोस्तों, नवंबर का महीना विशेष होने जा रहा है। पंचांग के अनुसार नवंबर के माह में आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 19 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस पूर्णिमा की तिथि को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस पूर्णिमा की तिथि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। इस दिन दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसका समय क्या होगा, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या उनको उपाय करने हैं। तो जानने के लिए जरूर देखिए वीडियो एंड तक बिना स्किप किए। और अगर मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के टाइम की। तो दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को लगभग प्रातः 11:30 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और शाम 5:33 पर ग्रहण समाप्त होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सूतक काल की। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक उपछाया ग्रहण है, इसलिए सूतक काल के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां इस दौरान रखनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ग्रहण लगना शुरू होता है तब नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची और सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु के किसी अविकसित अंग को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इस दौरान महिलाओं को कुछ खाना नहीं चाहिए। ग्रहण काल के दौरान व्रत रखना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय निकली हानिकारक किरणें खाने को दूषित कर देती हैं। इस दूषित भोजन को खाने से माँ और शिशु की सेहत प्रभावित हो सकती है। साथ ही दोस्तों, जब ग्रहण लगा हो उस समय आपको अपनी कोई भी दवाई नहीं खानी है और ना ही आपको ईश्वर की किसी मूर्ति को छूना है। इसके साथ ही दोस्तों, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को ये भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें ग्रहण सीधा नहीं देखना होता है क्योंकि इसका सीधा असर माँ की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को स्नान करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इससे शिशु को स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने पास एक नारियल रख लें, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम पड़ता है। और ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान ये सभी सावधानियां रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।